अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चेंजिंग व्यू और चेंजिंग द जूम, यानी जूम इन करना और जूम आउट करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस तरह से करना है, ठीक है। आज ये वाली दो एक्टिविटीज़ करेंगे, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने स्क्रीन है अभी वर्ड 2007 की विंडो है, इसके बिल्कुल नीचे जो लाइन है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है, ये वाली। इसी स्टेटस बार के ऊपर हमें ये दोनों काम करने के बटन मिलेंगे, ठीक है। दोनों काम यानी यहाँ से हम कर सकते हैं, यानी कि जो व्यू चेंज करना है वो ये जो मैंने सर्कल किया है अभी, यहाँ से व्यू चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 बटन बने हुए हैं और ये 5 बटन 5 व्यूज़ के हैं, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला व्यू हमारे सामने आ जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू है या ड्राफ्ट व्यू है जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। और जूम को चेंज करना है तो उसके लिए ये कोने पर उसका ये कंट्रोल बना हुआ है, ठीक है। माइनस को क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, दूर कैमरा जाएगा, प्लस को दबाएंगे तो जूम इन होगा, ठीक है। अच्छा, अब व्यू डॉक्यूमेंट का चेंज कैसे हम करेंगे, इसकी ये थोड़ी सी एक्टिविटी है। पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, यानी वर्ड 2007 खोलने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, ठीक है। एक न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके अंदर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम वो टाइप करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ वो कहता है कि स्टेटस बार के ऊपर व्यू बटन्स को क्लिक करें, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया वो नीचे बिल्कुल सेंटर में करके जो 5 बटन बने हुए थे, उन बटन्स को क्लिक करके तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। और वो 5 बटन है 5 व्यूज़ के लिए, एक प्रिंट लेआउट व्यू का, एक वेब लेआउट व्यू का, ठीक है, फिर आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू और फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अच्छा, अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे सर्कल होया हुआ है, ठीक है, ये वो 5 बटन है, ठीक है। इस टाइम ये प्रिंट लेआउट व्यू खुला हुआ है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विंडो के अंदर जो है वो पेजेस हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट पेजेस में, और ये नेम, क्लास और ये सारी चीज़ें जो थी वो लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जूम इन और जूम आउट कैसे करना है। अच्छा जी, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाऊंगा ये दोनों टास्क। अच्छा, जूम इन करने से हम क्या है कि डॉक्यूमेंट को करीब से देख सकते हैं, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट हमें बड़ा नज़र आएगा फिर। और जूम आउट करने से हम डॉक्यूमेंट को दूर से देख सकते हैं, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट हमें छोटा नज़र आएगा। अच्छा, इसके लिए दो तरीके बताए गए हैं। एक है फौरी तौर पे अगर हमने जूम इन और जूम आउट करना है तो जो स्टेटस बार है जो कि विंडो वर्ड 2007 की विंडो के अंदर बिल्कुल नीचे राइट डाउन कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, मौजूद है, जो कभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल कोने में थी, वहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो माइनस का बटन दबाने से जूम आउट होगा, ठीक है, यानी व्यू दूर हो जाएगा, ठीक है, पेज छोटा नज़र आएगा। और जूम इन का बटन दबाने से पेज बड़ा नज़र आएगा, ठीक है, करीब से यानी कि हमें नज़र आएगा। और इसके दरमियान में एक स्लाइडर भी बना हुआ है, इसको क्लिक करके हम लेफ़्ट साइड पर करेंगे तब भी चीज़ छोटी हो जाएगी, और यानी पेज छोटा हो जाएगा, और राइट साइड पर अगर लेके जाएंगे, ठीक है, तो पेज का साइज़ बड़ा होगा यानी जूम इन होगा। तो इस स्लाइडर के ज़रिए हम, ठीक है, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं फौरी तौर पे, ये हर वक्त नीचे कोने में स्टेटस बार में मौजूद है।
फिर उसके बाद दूसरा भी एक तरीका है ये काम करने का, उसके लिए ज़ूम की सेटिंग्स से हम ये काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले व्यू टैब में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो ऊपर रिबन टैब्स होते हैं उसमें होम है, ठीक है, इंसर्ट है, साथ एक व्यू का टैब भी होता है, तो व्यू को क्लिक करेंगे, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हर रिबन के अंदर, तो उसकी रिबन के अंदर जो जूम वाला ग्रुप है उसके अंदर जाके जूम 100% को क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये वाले बटन को। जूम 100% को क्लिक करने से जो पेज है उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल जो नॉर्मल साइज़ होता है वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए टास्क इस तरह से है कि पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलें, उस पर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम लिखें, ठीक है, जैसे पहले भी किया था। उसके बाद व्यू टैब में जाएं, ठीक है, ये व्यू टैब है, और उसके अंदर जूम ग्रुप में जाना है, ठीक है, ये जूम ग्रुप है सेंटर में, उसके बाद 100% को क्लिक करना है, ठीक है, ये 100% वाला बटन है, इसको क्लिक करना है। अच्छा, बाकी इसकी एडिटिंग आप करीब या दूर और जूमिंग में कोई चेंजिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। बहरहाल ये इतना काम जो है ना, ये टास्क है जो कि इसमें करना है। अच्छा, अब उसके बाद ये कहता है कि जूम आउट करें 33% व्यू तक, ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइडर है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, ठीक है, और इसके 7% लिखा होता है, ठीक है, साइज़ लिखा होता है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, 33% तक यानी इसको लेके जाएं, इस जगह पे परसेंट लिखा हुआ होता है। अच्छा, 33% तक लेके जाने के बाद स्लाइडर जो है उसको वापस 100% पे लेके आए, ठीक है, उसको फिर ड्रैग करके, यानी ये जो स्लाइडर है उसको फिर वापस राइट साइड पे ले जाए और 100% पे ले जाए, ठीक है, नॉर्मल साइज पे ये निकाल दें। अच्छा, ये सारा काम अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो टास्क से पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ठीक है, मेरे पास वर्ड 2019 है इस टाइम, ये मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, ठीक है, ब्लैंक नया डॉक्यूमेंट आ गया मेरे सामने। वर्ड 2007 और वर्ड 2019 में फ़र्क है कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है, ठीक है, 2007 से, लेकिन मिलती जुलती भी है बहुत सी चीज़ें, तो मैं आपको इसी 2019 के हिसाब से आपको मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैंने नेम लिखा है पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मूसा लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया 001, फिर मैंने लिखा क्लास 7th, और फिर स्कूल का नाम लिख दिया इकरा फाउंडेशन स्कूल रावलपिंडी। अच्छा, अब इसका मैं व्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर तीन तरह के व्यूज़ होते हैं 2019 में। ये मैंने क्लिक किया वेब वाला व्यू, वेब लेआउट वाला, ठीक है, ये सेंटर में प्रिंट लेआउट वाला, और ये इन्होंने एक अलग सा व्यू इसके अंदर डाला हुआ है। तो तीसरा इसमें रीड मूड, ठीक है, इसमें उन्होंने डाला हुआ है 2019 वर्ड के अंदर, ठीक है, ये प्रिंट वाला व्यू है, प्रिंट लेआउट, ये रीड मूड है, ठीक है, ये वापस मैंने प्रिंट मूड के ऊपर कर दिया इसको, क्योंकि नॉर्मली डॉक्यूमेंट इसी में ओपन होता है ज़्यादा, ये यानी कि आमतौर पर इस्तेमाल होता रहता है, इससे हमें पता चलता रहता है कि ये अब इस तरह से अलग अलग पेजेस होंगे, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह अलग अलग पेजेस पे सारी चीज़ें आएंगी। अब मैंने आपको ये जूम इन करके दिखाया है, और अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इन बटन्स की मदद से हम जूम इन आउट कर सकते हैं। अब मैं इसको 33% के ऊपर करता हूँ, ठीक है, स्लाइडर को, ये मैंने 33% पे इसकी जूम कर दी है, ठीक है, इसको दूर कर दिए, उसके बाद ये मैंने इसको वापस 100 पे किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जूम की ऑप्शन दी भी हुई है।
अब मैं व्यू टैब पे गया, वहाँ पे 100% का बटन बना हुआ है, ठीक है, उसको मैंने क्लिक किया, पहले 100 पे था, मैंने छोटा करके जब 100 दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल साइज़ पे, नॉर्मल साइज़ पे आ गया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।